जन सरोकार मंच की प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं प्रभा मुजुमदार अपनी कुछ कविताओं का पाठ प्रस्तुत करती हूँ। पहली कविता है लिखूंगी तो जरूर। लिखूंगी तो जरूर मैं खुशी और खिलखिलाहट में, व्यथा और छटपटाहट में, अभिलाषाओं की मरीचिका, स्वप्नों की खुमारी और हकीकतों की कड़वाहटों में भी। मरने नहीं दूंगी अपनी सोच, संवेदना, अनुभूतियां। अक्षरों की आंच को बचाए रखूंगी अंधेरी होती गुफाओं में। सतह के नीचे बहुत कुछ धधक रहा है, परत दर परत जमा हुआ है, जकड़ा बंधा हुआ है। लिखूंगी मैं धूप पर, हवा और बारिश पर, सुबह और रात, दोपहर और शाम पर, मुट्ठी से फिसलते वर्षों, ठहरे हुए लम्हों और झिलमिलाती यादों पर, सनसनाती चुप्पियों, डरावनी आशंकाओं और संभावनाओं की दस्तक पर, अधबुंदी कलियों की खिल रही पंखुड़ियों पर, पहली उड़ान के लिए फड़फड़ाते नए पंखों पर, चील के घातों पर, घरौंदे को बनाने सहेजने की कश्मकश पर, अपनी अपनी रफ्तारों के साथ अलग डगरों पर निकली खामोश गुमनाम यात्राओं पर। लिखूंगी तो जरूर मैं संकल्प और जिजीविषाओं पर, प्रतिमाओं के स्थापन, वरदानों और मोह भंगों पर, पिघलती बर्फीली परतों, हरियाली की गुंती चादर पर, भूकंप से दरकती चट्टानों और ज्वालामुखी से बहते उफनते लावे पर, किनारों पर टकराती दहाड़ती फुपकारती लहरों पर, रेत पर के निशानों और राह भटकी नदियों पर। लिखूंगी तो जरूर मैं बहेलियों के जाल में छटपटाते निरपराधों पर, माफिया बिचौलियों हत्यारों के साथ माननीयों की हिस्सेदारी पर, बहुरूपियों के अभिनय और ठगने के कौशल पर, सूखी जमीन पर आश्वासनों की फसलों और अंतहीन बहलावों पर, नए सपनों नई उम्मीदों की तलाश में हर बार लुटते खोते लोगों की बदहाली पर, धर्म गुरुओं के स्वार्थों लिप्साओं उन्माद और पाखंडों पर, शोषण को अभिशप्त मूक सहमे अनुयायियों पर। रुकूंगी नहीं मैं, डरूंगी तो कतई नहीं समय की विपरीत धारा में, उपेक्षा तिरस्कारों दबावों उलाहनों और धमकियों में, बम बंदूक के घेरों में भी, कलम के तोड़े जाने और स्याही के सोख लिए जाने पर भी, चुप तो नहीं रहूंगी कतई संवेदनाओं की नमी से, उकेरूंगी कोई चित्र बिखेर दूंगी अक्षर मिट्टी पानी और हवा में, लिखूंगी तो जरूर मैं। अगली कविता है इन दिनों। इन दिनों गुरुकुलों से अपमानित कर लौटाए नहीं जाते एकलव्य, न ही मांगा जाता है गुरु दक्षिणा की तहत उनसे अंगूठा। सीताओं को भी नहीं कहा जाता अग्नि में प्रवेश करने के लिए। इन दिनों अहिल्याओं को नहीं दिया जाता पत्थर होने का श्राप, युगों की धूप बारिश आंधी और धूल की परतों तले दफन रहने के बाद
अवतारों द्वारा उद्धारे जाने के लिए। दरअसल इन दिनों बाजार और बिचौलिए जानते हैं, मुद्दों को उठाना, भुलाना, सही वक्त पर इस्तेमाल करना और कूड़े के ढेर में पटक देना। बहुत सूक्ष्म हो गए हैं शोषण के तरीके, बहुत शातिर उन्हें रचने वाले दिमाग। सत्ता और बाजार का मायावी गठबंधन खरीद ही लेता है विद्या, बुद्धि, सौंदर्य, श्रम, शक्ति, यहाँ तक कि सीने में धधकती आंच, संघर्ष, संकल्प, अस्मिता, स्वाभिमान, यहाँ तक कि विद्रोह का ज्वालामुखी। कैद कर लेता है झंझावात, बोतलों में बांध देता है उमंगों के झरने। इन दिनों द्रौपदी के प्रश्नों पर निरुत्तर नहीं रहती राज्यसभा। कोरस मिलाकर किया जाता है उसकी हंसी का उपहास, फीकरे कसे जाते हैं उसके चाल चलन, चेहरे, पहनावे और आवाज पर। दुर्योधनों की खुशामद करने की अनवरत प्रतियोगिता के दौरान उतरते हैं कितने ही नकाब भाषा और संस्कारों के। हाँ, जारी है इन दिनों भी लाइट कैमरे रिकॉर्डिंग के बीच शबरी के बेरों का चखा जाना, सुदामा की पोटलियों से चावल छीने जाना और भक्तों को बचाने के लिए सही वक्त पर अवतारों का अवतारित होना। धन्यवाद। अगली कविताएं हैं, सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध, अंतिम नहीं होती कोई हार, अंतिम नहीं होती कोई हार, कोई भी जीत निर्विवाद नहीं होती, सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध, खत्म नहीं होते कभी। एक युद्ध का परिणाम अक्सर निर्धारित करता है आगामी जंग का समय, सीमा, दिशा। जीत के जश्न बढ़ाते हैं प्रतिशोध में लिए गए संकल्पों के तेज। इतिहास दोहराता है अपने को नए नामों और चेहरों के साथ। देखो, समूचा ब्रह्मांड ही एक युद्ध स्थल बन गया है इस कौरव पांडवों के खेल में, और मूक व्याधि बने हम अभिशप्त हैं एक खेमे को चुनने के लिए। षड्यंत्रों और झूठ, अधर्म और अन्याय की बुनियाद पर खुदगर्जी के लिए लड़े जा रहे एक और धर्म युद्ध को जारी रखने के लिए। इसी क्रम में अगली कविता, सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध। हर युद्ध के पश्चात कहीं अधिक मुश्किल हो जाता है नया युद्ध विराम। नफरत, प्रतिशोध और कड़वाहट की परछाइयां पहले से अधिक सघन हो चुकी होती हैं, बिखरी पड़ी होती है चारों ओर ताजा अतीत में लिखे गए कई कई समझौतों की चिंदियां। दंभपूर्ण आक्रामक गर्जनाएं सुनी जा सकती हैं हवा में, और लाशें चीख चीख कर पूछ रही होती हैं अपनी शहादत का हिसाब। शांति और सुलह के मुखौटे के चेहरे जाने पहचाने होते हैं, और उतना ही स्पष्ट हो चुका होता है उनकी आवाजों का खोखलापन, इरादों का सतहीपन। फिर भी जरूरी होता है युद्ध विराम की संभावनाओं की तलाश, संधि समझौतों के
विराट आयोजन, उपहारों के आदान प्रदान, गले मिलन की सांझा तस्वीरों का दुनिया भर में प्रसारण, इतिहास पुरुष का दर्जा पाने के लिए। धन्यवाद। अगली कविता भस्मासुर। ये छोटी छोटी कविताएं हैं, चार पांच। भस्मासुर एक। एक खास मकसद को लेकर भस्मासुर पैदा किए जाते हैं, पाले पोसे जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं निश्चित ठिकानों पर। मजबूत किलों के सुरक्षित कक्षों में गूंजती हैं तालियां, चलते हैं विजय जश्नों के दौर, अंतिम परिणामों की आश्वस्ति के बीच। दो। भस्मासुर विश्रांति नहीं करते राख के ढेर पर, वे खिलखिलाते हैं अधिक आश्वस्त अपनी शक्ति और आतंक से। उनके हाथ लपकते हैं उन्हीं सिरों की ओर जिन्होंने दिया होता है उन्हें सर्वनाश का वरदान और सामर्थ्य। स्वर्ग के सुख भोग के बीच हतप्रत अचंभित होकर कांप उठते हैं देवगण। मंत्रणाओं और वार्ताओं के दौर तब रचे जाते हैं कूटनीति के चक्र, इतिहास यही दोहराता है बार बार। तीन। भस्मासुरों, तुम रोंदो, मारो, जलाओ निरीह और मासूमों को, किसी की चुप्पी नहीं टूटेगी। देखते रहेंगे सब निर्विकार आंखों पर पट्टी बांधकर, मगर जाने अनजाने न आ पाए किसी सामर्थ्यवान पर कोई आंच, नहीं तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा खेल उसी वक्त। काट दिए जाएंगे हाथ, वापिस ले लिए जाएंगे अस्त्र। भस्मासुरों, जान लो अपनी सीमाएं। चार। कितने भी शातिर हों भस्मासुरों को पैदा करने वाले दिमाग, कितनी ही मारक हो उनकी रणनीति, रह ही जाती है लेकिन कहीं पर कोई न कोई खामी। समय के किसी अंधे मोड़ पर घिर ही जाते हैं वे अपने रचे कुचक्रों में। कितना ही मजबूत हो तब उनका सुरक्षा तंत्र, भेद कर आ ही खड़ा होता है उनके सम्मुख उनका काल। जान कर भी यह तथ्य कहाँ रुका है भस्मासुरों को पैदा करने का सिलसिला। पांच। भस्मासुर अपने को सर्वशक्तिमान समझ बैठे हैं, कितने मूर्ख हैं जानते नहीं किस डोर पर नाच रहे हैं, किस चाबी से उछल रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं किसके विरुद्ध और कब तक रहेगी उनकी उपयोगिता, क्या होगा उनका उपयोगिता के खात्मे के बाद। भस्मासुर अंधे हैं, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ नहीं पा रहे हैं। अंतिम है। भस्मासुर कभी खत्म नहीं होते, अपनी ही राख से संजीवनी पाकर उठ उठ खड़े होते हैं और फिर पाते हैं विध्वंस शक्ति का वरदान। कुटिलताओं के इस अनवरत दौर में उनकी उपयोगिता खत्म नहीं होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।